अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल अरीशा नॉवल्स पे, जहाँ पे आप रोज़ आते हैं और रोज़ पढ़ते हैं मज़े मज़े के नॉवल्स। तो जहाँ पे आप लोग रोज़ आते हैं उस जगह को ना अपना बना लें, उस चैनल को सब्सक्राइब करके। क्या आइडिया मारा है ना मैंने, बस मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं। आप लोग सब्सक्राइब करें ना, तब मैं दूँगी आपको अच्छे अच्छे आइडिया। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे इतना जल्दी अरीज की थू टपक पड़ी, बस सोचा आज थोड़ा जल्दी आ जाती हूँ। वैसे मैंने कल 4 किस्तें दी, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस इतना ठंडा था ना कि मैंने सोच लिया कि आज के बाद ना मैंने आपको 4 किस्तें एक साथ में दी। लेकिन फिर मैंने सोच रही हूँ कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2 तारीख से मैंने फिर से यूनिट जाना शुरू कर देना है, तो आपके लिए कुछ अच्छा करके जाऊं, आपको अच्छी अच्छी एपिसोड्स देकर जाऊं। लेकिन मेरी सुस्त आवाम में कितने जाऊं। खैर, मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है, सारा कसूर आप लोगों का है। सारा कसूर आप लोगों का है जो टाइम पर लाइक नहीं पूरे करते, जो टाइम पर आप लोग आते नहीं हो, तशरीफ़ आवरी नहीं करते, और फिर आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो गलती सारी आप लोगों की है। राइटर बिल्कुल बेगुनाह है, हमेशा की तरह राइटर मासूम है। और अब हम शुरू करते हैं आज की एपिसोड, तो लेट्स स्टार्ट। मरमे कायज़ान, किस्त नंबर 81, तहरीर अरीशा। शुक्र है किसी तरह की टूट फूट से इनका पैर बच गया है, लेकिन फिर भी ज़ख्म बहुत गहरा है, भरने में टाइम लगेगा। आपको कुछ दिन तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। मैंने सारे कांच निकालने की कोशिश की है, यकीनन सारे कांच निकल चुके हैं। बाकी आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ज़ख्म ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आपने एहतियात की तो। डॉक्टर नसीर इनके पैर पर पट्टी बांधते हुए इनके करीब से उठा था। जी जी डॉक्टर, हम बहुत एहतियात करेंगे, हम इनका बहुत ख्याल रखेंगे। पता नहीं कैसा बेकार आदमी था, ठीक से वो जंजीर टाइट करके गया ही नहीं। रफील भाई को बिल्कुल ठीक शक हो रहा था कि वो ठीक से टाइट नहीं हुई। मेरा ही दिमाग ख़राब था जो मैंने कह दिया कि बिल्कुल ठीक है, आप बेकार में टेंशन ले रहे हैं। अगर मैं इनकी बात सुन लेती ना तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। इस आदमी को भी भेज दिया, कैसा काम चोर इंसान था, ठीक से काम ही नहीं किया। वो तो खुदा का शुक्र है कि हमें वक्त रहते अंदाज़ा हो गया, लेकिन फिर भी आंटी को हमारी वजह से बहुत ज़्यादा चोट लग गई। अगर ये हमें बचाने के लिए ना आती तो यकीनन इन्हें इतना बड़ा ज़ख्म नहीं होता। इसे बहुत अफसोस हो रहा था इनके पैर पर पट्टी बंधे देखकर। नहीं बेटा, बस खुदा का शुक्र अदा करो कि कोई जानी नुकसान होने से बच गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो गिरने वाला है, और वो चेन भी मजबूती से नहीं लगी हुई थी। चेन टूटी टूटी सी महसूस हो रही थी, इसीलिए मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो गिरने वाला है। बहुत शुक्रिया आंटी, अगर आज आप नहीं होती तो यकीनन कोई जानी नुकसान भी हो सकता था। आपने
अपनी जान की परवाह किए बगैर हमें बचाया। वो इनके पास बैठते हुए कहने लगी थी जबकि कायजान खामोश सा खड़ा था, तुम इनका ख्याल रखो और इनके साथ ही रहो, इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना, उठकर चलने की ज़रूरत नहीं है, मर्म आपके पास ही है। अगर आपको कहीं जाने की ज़रूरत महसूस हो तो इसे बता दीजिएगा, आपको अपने साथ ले जाएगी। अकेले उठने की कोशिश मत कीजिएगा, अभी आपका ज़ख़म बहुत गहरा है। तुम ज़रा बाहर आओ, इसने रफ़ील को बाहर आने का इशारा किया था, जो खामोशी से इसके साथ बाहर निकल गया। रफ़ील भाई को कुछ मत कहिएगा, मेरी गलती है, मैंने कहा था कि वो बिल्कुल ठीक से लगा हुआ है, इसने पीछे से चिल्लाते हुए कहा था, जबकि रफ़ील हंसकर आंख दबाता कमरे से निकल गया था कि ठीक से लगा हुआ है, इसने पीछे से चिल्लाते हुए कहा था, जबकि रफ़ील हंसकर आंख दबाता कमरे से निकल गया था। अब देखिएगा, यकीनन वो बाहर रफ़ील भाई की शामत ले आएंगे। इसे रफ़ील के लिए अफसोस हो रहा था, जबकि आंटी भी परेशान सी रफ़ील के बारे में सोच रही थी। अल्लाह खैर करे, ये हादसा था, इसमें भला किसी को कुछ कहने की क्या ज़रूरत है, तुम समझाओ ना अपने शोहर को, आंटी ने परेशानी से कहा था। इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कायजान इनके लिए डांटेगा, इन मामलों में वो मेरी भी नहीं सुनते, मुझे भी डांट देते हैं, वो मुंह बनाकर बोली तो आंटी को जहां इस पर प्यार आया था वही रफ़ील के लिए बुरा भी लग रहा था। मुझे पहले ही शक हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, मैंने बार बार इसे चेक करने की कोशिश की थी, लेकिन मर्म ने इस वक्त मेरी कोई बात किसी बात को अहमियत नहीं दी। इसे ठीक किसने किया था? रफ़ील जो कमरे से निकलते हुए अपनी सफाई दे रहा था कायजान के अगले सवाल पर इसकी तरफ मुतवज्जो हो गया। मैंने बुक किया था इसको, ऑनलाइन सर्विस कंपनी का कोई नुमाइंदा था, मैंने कहा था कंपनी से कि जैसे ही वो अपना कोई नुमाइंदा भेजें मुझे कॉल करके फौरन बुला लें। इन लोगों ने जैसे ही अपना नुमाइंदा भेजा मुझे कॉल आ गई थी, मैं फौरन घर वापस आ गया था इसे ठीक करवाने के लिए। वो इसे तफसील से बता रहा था जबकि कायजान ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। ठीक है, पता करो कि कौन आया था यहाँ पर इसे ठीक करने के लिए, कायजान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है कि किसी ने जानबूझकर ये हरकत की है, ये जानने के बावजूद भी कि ये कायजान काजमी का घर है? इस तरह की हिम्मत कौन कर सकता है?
रसल जो इनके पीछे ही कमरे से निकलते हुए इनकी बात सुन रहा था, वो इसके पास आते हुए पूछने लगा, नहीं रसल, कंपनी का कोई भी नुमाइंदा इस तरह से काम हरगिज़ नहीं करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंपनी अपनी रिकमेंडेशन में कोई गलत किस्म का कमेंट आने देगी। और वैसे भी इन नुमाइंदों की एक रेटिंग होती है, कोई भी अपनी रेटिंग ख़राब तो नहीं करना चाहेगा ना। मुमकिन है ये घर के अंदर आने के लिए प्लानिंग हो, सकता है ये किसी की साजिश हो, हो सकता है हमारे घर के अंदर तक रसाई हासिल करके इसने हमारे किसी दुश्मन को खबर पहुंचाई हो। मुमकिन था कि वो हमारे किसी दुश्मन का जासूस था। वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे घर के अंदर तक आकर जासूसी करके क्या उखाड़ लेगा? अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचाना है तो वो डायरेक्ट कायसान पर हमला करेगा, ना रफील ने रसल की तरफ देखते हुए कहा। नहीं रफील, अब बात सिर्फ कायसान को नुकसान पहुंचाने की नहीं है, वो कायसान को कितने जख्म दे सकते हैं। वो जानते हैं कि कायसान को इन जख्मों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कायसान को किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो वो सिर्फ़ इसके घर के अंदर मौजूद है। इसने कमरे के दरवाज़े की तरफ इशारा किया था। मर्म इसी कमरे में मौजूद थी, यानी कि वो जो भी लोग थे वो मर्म के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे थे। वो लोग जो कोई भी थे, इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि इस घर में जो लड़की रहती है इससे कायसान का ताल्लुक कोई मामूली नहीं है। वो लोग अंदाज़ा लगा चुके थे कि वो लड़की इसके लिए कितनी अजीज़ है, इसीलिए अब इनका अगला टारगेट कायसान हरगिज़ नहीं होगा। अब अगर उन्होंने कोई भी साजिश की तो वो साजिश कायसान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि मर्म के ख़िलाफ़ होगी, क्योंकि वो लोग समझ चुके हैं कि कायसान की कमज़ोरी मर्म है। और अब अगर वो कायसान को कमज़ोर करना चाहते हैं तो वो सीधा सीधा अटैक मर्म पर करेंगे। वो लोग कायसान को कोई बड़ा नुकसान देना चाहते थे, क्योंकि वो लोग समझ चुके थे कि कायसान की कमज़ोरी मर्म है। अब अगर वो कायसान को कमज़ोर करना चाहते हैं तो वो सीधा सीधा मर्म पर अटैक करेंगे। वो लोग कायसान को कोई बड़ा नुकसान देना चाहते थे और कायसान के लिए इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं होगा। आज ये जो हुआ है, इसने छत से लेकर ज़मीन की तरफ इशारा किया, जबकि रफील बहुत गौर से सुन रहा था। ये कायसान के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि मर्म के ख़िलाफ़ हुआ है। अब वो लोग सीधा सीधा मर्म पर ही अटैक करेंगे। हमें मर्म को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वो सोचते हुए बोला था, जबकि कायसान बिल्कुल खामोश था। तो इसका कोई हल भी तो हो सकता है ना कायसान, हम मर्म को
प्रोटेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन हमें इसे जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा, वरना ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। रफ़ील को परेशानी होने लगी थी। मसला बन नहीं सकता रफ़ील, मसला बन चुका है। इस चीज़ का बस एक ही हल है, इसने कहते कहते रुककर कायसान की तरफ देखा था। क्या हल है यार, मुझे भी तो बताओ ना, इस तरह से मुझे कंफ्यूज मत करो। अगर इस चीज़ का कोई हल है तो बताओ, हम मर्म पर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं उठा सकते, वो परेशानी से कह रहा था। इसका हल है डी गैंग के बॉस का पता, जो सिर्फ कायसान जानता है, और सब कुछ अपने बॉस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए कर रहे हैं। वो कायसान को जान से नहीं मार सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने कायसान को जान से मारने की कोशिश की तो ये राज कायसान अपने सीने में लेकर ही दफन हो जाएगा कि डी गैंग का बॉस कहाँ है। इसीलिए उन्होंने कायसान को दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। रसल इसे तफसील बता रहा था, जबकि वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा चुका था। वो कमरे में आई तो कायसान को खिड़की के पास खड़े देखा। कायसान, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आंटी के लिए, इन्हें बहुत तकलीफ है। ज़रा सोचें, अगर आज इन आंटी को पहले से पता ना चल जाता कि वहाँ ऊपर से झूमर नीचे गिरने वाला है, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। इसके पास आते हुए इसके सीने पर सर रखती, इसके गिर्द अपनी बाहों का वो हसार बना चुकी थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, खुदा शुक्र है अल्लाह पाक का, कोई जानी नुकसान होने से बच गया। इतना बड़ा झूमर था, अगर नीचे गिरता तो कोई ना कोई ज़रूर नीचे आ जाता इसके, लेकिन हमारी वजह से उन आंटी को चोट लग गई, इन्हें बहुत तकलीफ़ है, लेकिन वो बता नहीं रही। काश मैं इनकी तकलीफ़ को कम कर पाती, मैं बहुत उदासी से बोल रही थी, जबकि वो इसे अपने साथ लगाए इसके गिर्द अपनी बाहों का घेरा तंग कर चुका था। वक्त के साथ इनका ज़ख्म भर जाएगा, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। अब ये मुसीबत हम पर आई हुई है, हम इसे रोक नहीं सकते थे। खुदा का शुक्र करो कोई जानी नुकसान होने से बच गया, वो इसकी उदासी दूर करने की कोशिश कर रहा था। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है, अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ है, लेकिन अब इस लड़के को छोड़िएगा मत। कैसा काम चोर लड़का था, आप इसकी कंपनी में जाकर इसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करें। इसकी लापरवाही की वजह से आज यहाँ किसी की जान जा सकती थी। जब वो यहाँ पर काम कर रहा था ना, तब भी काम के बजाय इसका ध्यान आगे पीछे था। ऐसा लग रहा था जैसे सारे कमरे गिन रहा हो। और आपको पता है, जब वो यहाँ से बाहर निकल रहा था ना, तब भी कितनी ही देर फ़ोन कान से लगाए फजूल में इधर उधर देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काम करने वाला इंसान ना हो, बल्कि कोई जासूस हो, इसे यहाँ पर यावर भाई ने भेजा हो। लेकिन यावर भाई तो अब खुद अपनी मर्ज़ी से कभी भी यहाँ आ सकता है, तो वो जासूस क्यों भेजेंगे। यकीनन इसको गंदी आदत होगी,
हर तरफ देखने की, आप इसकी रिपोर्ट करवाएं। मैं तो ये सोच सोच कर बुरा महसूस कर रही हूँ कि आंटी का पैर इस फानूस के नीचे आ गया। अगर आंटी खुद इस फानूस के नीचे आ जाती तो हमें बचाते बचाते इनकी अपनी जान जा सकती थी। ऐसे लापरवाह लोगों को इस तरह कंपनियों में काम हरगिज नहीं देना चाहिए। वो बहुत गु़स्से से इसे बता रही थी, जबकि इसकी सारी बातें सुनते हुए वो बहुत कुछ समझ गया था। रसल पता लगाओ इन लोगों के बारे में, डी गैंग में कितने लोग हैं, आजकल इनका बॉस कौन है और अपने बॉस तक पहुंचने के लिए ये किस हद तक जा सकते हैं, इनका कौन कौन सा अड्डा है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, टोटल इनके गैंग में कितने लोग हैं, मिस्र में इनके कितने अड्डे हैं, और सबसे ख़ास बात ये पता करो कि अस्पताल वाले केस से इन लोगों का कितना ताल्लुक है। वो ऑफिस रूम में दाखिल होते हुए रसल से कहने लगा था, ठीक है कायजान, मैं आज ही इनकी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें तो पता है डी गैंग सारे काम छुप छुपा कर करता है, और सच कहूँ तो अस्पताल वाले केस में कहीं ना कहीं मुझे भी शक हो रहा था कि डी गैंग का कहीं ना कहीं इससे कोई ताल्लुक है, क्योंकि पिछले काफ़ी वक्त से जब से इनका बॉस गायब है ये छुप छुपा कर काम कर रहे हैं, लोगों के सामने आना तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब डी गैंग वापस मंजरे आम पर आना शुरू होगा। तुम्हारे साथ इनकी दुश्मनी काफ़ी पुरानी है, यकीनन वो तुमसे सिर्फ अपने बॉस का पता ही चाहते हैं। जिस दिन तुम इन्हें इनके बॉस का पता बता दोगे वो खुद बहुत रास्ते से हट जाएंगे। हाँ, अगर इस पते में इनके लिए कोई खुशखबरी हुई तो रसल ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। तो इस सारे डिस्कशन के दौरान इसके लबों पर पहली दफ़ा मुस्कुराहट खिली थी। मौत का एक वक्त मुकर्रर होता है रसल, और मैंने बस इसके मुकर्रा वक्त पर इसे ख़त्म किया था, तुम्हें पता है इसमें मेरा कोई कसूर होगा, तुम्हें लगता है इसमें मेरा कोई कसूर होगा, वो चेयर के साथ टेक लगाते हुए छत की तरफ देखते हुए पूछने लगा। ऑफ़ कोर्स नहीं कायजान, तुम्हारा इसमें भला कोई कसूर कैसे हो सकता है, हर इंसान की मौत का एक वक्त मुकर्रर होता है, और यकीनन इसकी मौत का भी वक्त मुकर्रर था, तो वो मर गया, अगर तुम नहीं मारते तो वो किसी और तरीके से मर जाता, लेकिन मर जाता, तुम इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हो, रसल ने इसे यकीन दिलाया था, जबकि वो हाँ में सर हिलाता इन दोनों को जाने का इशारा कर चुका था। वो जल्द से जल्द डी गैंग की इंफॉर्मेशन चाहता था, क्योंकि इतना तो वो समझ ही चुका था कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे डी गैंग का ही हाथ है। इसके सबसे बड़े दुश्मन डी गैंग के ही लोग थे जिनके बॉस को इसने गायब किया था, और वो लोग इससे कुछ नहीं चाहते थे सिवाय अपनी बॉस के इंफॉर्मेशन के, जिसे वो इन लोगों को बताने में इंटरेस्टेड नहीं था। सो गाइस, ये थी आज की पहली एपिसोड, आज भी 4 एपिसोड्स आ सकती हैं, डिपेंड ऑन यू, लाइक करो और हाँ सब्सक्राइब करो। थैंक्स।
23K सब्सक्राइबर पर 4 एपिसोड का पैकेज फिर से आएगा, यानी कि वो पैकेज आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, जब आप 23,000 पूरे कर देंगे तब भी हो सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपनी राय को दे इजाज़त और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।